अलग तरफ रंग है और सभी बहुत खुश हैं ना। अलग अलग पकवान भी बन रहे हैं, जलेबी, समोसे। और लड्डू। आराम से खाओ कालिया। और हमारे लिए भी थोड़ा रखिए। फिक्र मत करो, अंदर और भी लड्डू है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए मौसी, वरना ये पूरी दुकान खा लेंगे। कालिया, शाम के लिए भी पेट में थोड़ी जगह रखना। शाम के लिए? हाँ, मैं आज बहुत सारे लड्डू बनाने वाली हूँ, जैसे कि बादाम के, मोती चूर के, बूंदी के, दूध के। लेकिन उसके लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए ना मौसी, क्या मदद चाहिए? तुम्हें घर सजाने में मदद करनी होगी और दुकान पर पहरा देना होगा। हम पहरा देंगे और हमारे होते हुए कोई भी लड्डू नहीं खाएगा। हाँ, क्योंकि सारे लड्डू यही खा जाएंगे। तो सभी वादा करो कि कोई भी शाम से पहले लड्डू नहीं खाएगा। हम वादा करते हैं कि हम सब अभी सीधा शाम को ही लड्डू खाएंगे। और अगर किसी ने ये वादा तोड़ा तो उसे शाम को भी लड्डू नहीं मिलेंगे। क्यों? मुझसे कहो ना, मैं निकाल देता हूँ पतंग। कालिया, ये काम जग्गू को करने दो, वो पेड़ चढ़ने में हम सबसे बेहतर है। जग्गू, जपन जपन जपन, अभी लाया पतंग। शुक्रिया जग्गू, शुक्रिया भीम। जग्गू, पेड़ चढ़ने में चैंपियन। भीम, अगर हम अब पतंग खरीदने नहीं गए ना, तो सारी अच्छी पतंगे बिक जाएंगी। फिर पतंग उड़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सही कहा राजू, चलो चलकर पतंग खरीदते हैं। बड़ा मजा आएगा, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ। जब कल बच्चे पतंग खरीदने आएंगे तो मुझे देखकर मुझी से खेलने के लिए लड़ेंगे। यहाँ तो पहले से ही भीड़ है। अरे वाह, इतनी सारी रंग बिरंगी पतंगे। मुझे तो लाल वाली चाहिए। अरे वाह, लगता है बच्चे मुझे ही देख रहे हैं। चलो हम सब अलग अलग रंग की पतंग लेते हैं। ये वाली। उस्ताद, हमने तो अपनी पतंग चुन ली, अब आप कौन सी पतंग ले रहे हो? मैं वो वाली पतंग लूंगा, वो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लगती है। ये लाल वाली ले लेता हूँ। तुम दोनों देखना, इस साल मैं सबसे पहले भीम की पतंग काटूंगा। हर साल उस्ताद यही बोलते हैं, पर हमेशा हार जाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं उस्ताद। अब चलो यहाँ से।
ये देखो। चलो अब मैदान की तरफ चलकर पतंग उड़ाते हैं। चलो चलो घर बनो, आ जाओ। इतने सारे बच्चों में कोई तो मुझे जरूर उड़ाएगा। मत मत करना मेरे आसपास आने की, जो भी आएगा वो गया समझो। मेरी पतंग है सबसे ऊपर। ढोलू बोलू मुझसे पकड़ो। मेरी पतंग काट दी। हाँ काट दी। तुम्हें पतंग नहीं उड़ानी आती तो मैं क्या करूँ? उस्ताद तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं भीम को हराऊंगा। उनकी पतंग तो दो मिनट में फुस हो गई। वो भी राजू के हाथों। क्या कहा तुमने? तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भागो! रुक जाओ। नहीं छोड़ूंगा। ढोलू बोलो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। जीरो? तुम दोनों को तो मैं। ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। भीम हमेशा जीत जाता है और तुम्हारी होती है हार। अरे जग्गू, मैं जीतने के लिए ढोलकपुर की रक्षा नहीं करता। पर फिर भी उस्ताद हार जाते हैं। याद है जब भीम ने पहली बार उस्ताद को कुश्ती में हराया था? और फिर लड्डू खाने के मुकाबले में भी उस्ताद भीम से कितनी बुरी तरह हारे थे। लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो, भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? उस्ताद आप फिर से कालिया की तरह ही सोच रहे हैं। असली जीत किसी को रास्ते से हटाकर नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से खुद का रास्ता बनाकर ही मिल सकती है। अगर आप ये रास्ता अपनाने को तैयार हैं, तो हम भी आपकी मदद करने को तैयार हैं। अरे बंद करो ये आवाज, ये सब क्या हो रहा है भीम? कांताबेन हम सबको डांडिया खेलना सिखा रही हैं। चाहो तो तुम भी खेलना सीख सकते हो। Cut.
people 肚子卡里亚 Go 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 hands up 这是面目 Say it on the street High five false 发财干裂文字电流 Hearts Good I'm here to my beat Oh yeah What can I say I'm a play game Do you feel Bang dance in the air Black 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 It's a 卡里亚 dance